हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एमआर सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं मनीष कुमार, और आज हम 125 क्वेश्चन जो है हम कल कवर कर चुके थे, और आज इस चैप्टर को भी हम समाप्त कर देंगे। तो आज तो 126 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो लेपचा किस राज्य की जनजाति है? तो इसका जो है राइट आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 127 क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर बार परीक्षाओं में इंडियन नेवी एमआर में पूछा जाता है, और आप इसको जरूर रट लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद है जो इसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देखिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन है। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन है। कोच की किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कोच को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर पूर्व का वेनिस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंडियन नेवी एमआर में है ये पूछे जाते हैं, और हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2। तो अब ये ख़त्म हो जाएगा ना, आज ख़त्म हो जाएगा, तो कल से हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 131 क्वेश्चन है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी आए ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका राइट आंसर होगा, या आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा राइट आंसर का निशान लगा हुआ है। चलिए अगला है, 132 क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद स्थित है, अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 133 क्वेश्चन। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए गोमती, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुगली। हुगली जो है कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 134 क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी झेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झेलम। चलिए क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गंगा नदी के किनारे कानपुर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से है, मतलब उसी चैप्टर में ये है। तो 136 क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकेल। सभी रट लीजिएगा क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है ये, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और हम पूरे विद्वत से हम तैयारी कराएंगे आपको, क्योंकि कि आपको जो है इंडियन नेवी एमआर में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, और जितने आए उसको आप सभी कर देंगे। चलिए तो अगला जो है 137 जो है आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार जीवों का निवास है वो कहलाता है? ठीक है, तो इसका जीव मंडल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, 138 क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए टॉन्सले द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी कैडियम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा,
काइडियम के कारण जो है इटाई इटाई रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और 140 क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण है। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यानी NO। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 141 क्वेश्चन है, निम्न में से जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए और इसको रट लीजिए। तो इसका राइट आंसर EO विल्सन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा EO विल्सन। तो अगला क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है, निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असम। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है। चलिए और आज का ये चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन, निम्न में से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट का निशान लगा हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे अध्याय 2 के प्रश्न, हमने आज कंप्लीट कर दिए। आप इसको सारे को आप रट लीजिए और ये जो है, तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।